अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज आपको सिखाऊंगा मैं मज़ेदार भिंडियाँ बनाना तड़के वाली। तो हम स्टार्ट करेंगे, ऑयल मैंने डाल दिया है, दिखाएँ ज़रा ऑयल। जैसे ही वो थोड़ा सा बुलबुले आना शुरू हो जाए, थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, तो उसमें मैं अब डाल रहा हूँ प्याज। थोड़ा सा प्याज मैंने काट के डाल दिया है, थोड़ा सा मेरे हाथ में है और मैं अब डाल दे रहा हूँ। ये देखें, ऐसे ऐसे करके आपने छोटा छोटा काटते हैं ना उसको, ऐसे करके आपने डाल देना है। अच्छी भिंडियाँ बनाने का राज जो सबसे पहले है वो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता देता हूँ कि जब प्याज आपने डाल लिया ना, अभी आपने इंतज़ार भी नहीं करना कि प्याज लाल हो, उससे पहले ही आपने भिंडियाँ जो है वो काट के प्याज के साथ ही डाल देनी है, ताकि वो भी प्याज के साथ साथ ही फ्राई हो जाए। प्याज हमने डाल दिया है, प्याज थोड़ा थोड़ा लाल होना भी शुरू हो गया। मैंने उस समय कर दी गलती ये कि थोड़ा सा मैंने आग को तेज़ रखा हुआ है, अब मैंने इसको अच्छा कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने भिंडियाँ छोटी छोटी करके छोटी छोटी करके मैंने इसको काट लिया है और अब ये प्याज के साथ फ्राई हो रही है। अब मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जूँ जूँ ये फ्राई हो रही है मैं साथ साथ ही इसके थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अदरक और लहसुन काट के भी डाल दूँगा, ताकि उसका भी जायका इसके अंदर आए। और उसको 2-4 मिनट फ्राई करूँगा और साथ ही फिर मैं मसाले डालना शुरू कर दूँगा। ये देखें, मैंने इसको पहले से ही काट लिया है थोड़ा सा, इसको मज़ीद छोटा छोटा काट दूँगा। इसको आप बड़ा रख के भी काट सकते हैं, जैसा आपको दिल करे, आपको जैसे पसंद हो। मुझे असल में ये अदरक और लहसुन जो है वो बड़े बड़े कटे हुए अच्छे नहीं लगते, जो मुंह में आते हैं बड़े अजीब सा लगता है मुझे। इस वजह से मैं इसको बहुत कोशिश करता हूँ कि जितना छोटा हो सके और जितना बारीक करके मैं काट सकूँ। प्याज मैंने इसमें बड़ा बड़ा रखा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि भिंडियों में प्याज का जायका जो है वो प्याज अच्छा लगता है थोड़ा बड़ा बड़ा। ख्याल में मैंने काफ़ी ज़्यादा अदरक ले लिया है, इतना ज़्यादा अदरक डालने की ज़रूरत नहीं थी। चले फिर भी कोशिश करते हैं कि ये काम आई है। लहसुन इसको भी मैं छोटा छोटा करके बिल्कुल बारीक सा लहसुन भी डल गया। और इनको थोड़ी देर तक चीज़ों को थोड़ा सा सेक लगने देते हैं, पकने देते हैं, उसके बाद मैं डालूँगा मसाले। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगा और उसके बाद मसाले डालना शुरू करूँगा। चले अब इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। आ गई है बारी मसाले डालने की। पहले मैं शुरू करूँगा नमक से। नमक आप अपने हसबे जायका जिस तरह से भी आप डालना चाहें, पहले स्टार्ट में आप थोड़ा डालें, क्योंकि थोड़ा होगा तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हो गया तो कम नहीं हो सकता। तो मैंने 1 चम्मच बड़ा खाने का चम्मच मैंने डाल लिया है और साथ में डालूँगा ये लाल मिर्च। साथ में पिसी हुई लाल मिर्च भी डालूँगा, क्योंकि दोनों का टेस्ट मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ़र्क होता है एक दूसरे से, इसलिए जायके के लिए मैं दोनों इस्तेमाल करता हूँ। ये है गरम मसाला, चेक कर लिया जाए सुन के, ये ना हो के बाद में पछताना पड़े। ये सिर्फ खुशबू के लिए मैं थोड़ी सी ये ज़ीरा भी डाल लूँगा। ये कहते हैं इसमें शिफा बहुत है कलौंजी, तो हम जायके के लिए तो नहीं, लेकिन
अंदर की सारी बीमारियां मारने के लिए कलौंजी भी डाल लेते हैं। और हमारे पास क्या रह गया है, और मसाले भी दे दो मुझे, सारे डाल दूंगा मैं, हल्दी हल्दी भी डालूंगा मैं। ये जी हमारे मसाले हो गए पूरे। इसमें अब हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, पहले जिसको पक लेने दे। तो इसमें हम ऐड करेंगे तंदूरी मसाला, शक्ल कितनी अच्छी बनना शुरू हो गई है। अभी से मुझे खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी बनेंगी बिरयानी। कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लग रही है और ये टेक्निक कैसी लगी है मेरी खाना बनाने की, खास तौर पे बिरयानी बनाने की। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बनाने का खाना, मुझे ये अच्छा लगा, मेरे लिए ये काम करता है, मुझे अच्छी, मैं जब भी बनाई है वीडियो इस तरह से वो हमेशा तारीफ हुई है, हमेशा अच्छी लगी है, खुद को खाने को भी और लोगों को भी। तो सेकंड लास्ट स्टेप रह गया हमारा, और वो ये है कि मैंने, अब जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें पहले से काट ली हैं, और अब मैं इसको शामिल करूँगा। अब इसको थोड़ी देर में पकने दूँगा, जैसे ये थोड़ा सा इसके साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगा तो लास्ट में मैं ये शान का तंदूरी मसाला डालूंगा और हमारी भिंडियाँ तैयार हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अब मिक्स होना शुरू हो गया है, अब बारी आ गई है ये शान का तंदूरी मसाला इसमें ऐड करेंगे। और अब इसको हम मिक्स करके थोड़ी देर इस पर ढकना दे के इसको रख देंगे, और मेरे ख्याल में हार्डली 5 मिनट इसको अगर पकने दिया जाए और ऐसे ही हल्की आंच पे ढकना दे के, तो ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगी आपकी बिरयानी। गाइस ये थी मसालेदार मज़ेदार बिरयानी बनाने का तरीका, आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो औरों को भी रिकमेंड करना, अगर तजुर्बा कामयाब ना हुआ तो मुझे बुरा भला ना कहना क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आना वाला है, मुझे तो खुशबू से पता चल रहा है कि मुझे तो पहले तो मैंने तो मेरे ख्याल में सही बना लिया। अब आपने अगर सही नहीं बनाई तो वो आपका कसूर है, आपने कोई चीज़ मिस कर दी है स्टेप बाय स्टेप, नहीं आपने फॉलो किया, दोबारा से वीडियो देखना, चेक करना कोई मिस्टेक अगर हो गई है। अगर आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने बनाई है इस वीडियो में, तो 100% आपकी बिरयानी भी बहुत अच्छी बनेगी, और जिसको भी आप खिलाएंगे आपकी तारीफ होगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, यहीं पर करते हैं रैप अप, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।